स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज देश कन्वेंशनल अप्रोच से आगे बढ़ चुका है। देश में स्वास्थ्य से जुड़ा हर काम, जहां पहले सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती थी, वहीं अब सारे विभाग और मंत्रालय, चाहे वो स्वच्छता मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय हो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर हो, उपभोक्ता मंत्रालय हो या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो या तो राज्य सरकारें हो, साथ मिलकर स्वस्थ भारत के लिए काम कर रहे हैं। और प्रिवेंटिव हेल्थ के साथ साथ एफोर्डेबल हेल्थ केयर पर जोर दिया जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सबसे सस्ता भी है और सबसे आसान भी है, और हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जितना जागरूक होंगे उतना व्यक्ति को भी, परिवार को भी और समाज को भी लाभ होगा। जीवन स्वस्थ हो, इसके लिए पहली आवश्यकता है स्वच्छता। हम सब ने एक देश के रूप में बीड़ा उठाया और इसका परिणाम यह आया कि पिछले लगभग 4 सालों में सैनिटेशन कवरेज 2 गुना होकर करीब करीब 80% हो चुका है। इसके अलावा देश भर में हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने की दिशा में व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में योग ने नए सिरे से दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। योग फिटनेस और वेलनेस दोनों की गारंटी देता है। यह हम सबके कमिटमेंट का ही परिणाम है कि योग आज एक मास मूवमेंट बन चुका है, घर घर पहुंच चुका है।